आओ सुनिए वार्तक रचना बलराज सानी दी मुड़ वेख्या पिंड। 16 अक्टूबर 1962 ईस्वी सवेरे उठद्या सार पहला थाने रिपोर्ट लिखाई, फिर बसा के अड्डे उत्ते जा पहुँचे। भेरा भी 60-70 मील का पेंडा सी, सिकंदर नाल सी, सगों दो होर मित्र भी तैयार हो पे सन। उस वेले मैं उन्हां दे साथ तां मुल ना पाया। मेरे उपर भेरे जाके जज्बियां दा की तूफान टुटना सी उस वेले मैनू नहीं सी पता। उस वेले भेरा मैनू सौखी जिही मुहिम जापिया सी, बस भेरे वल नटदी जा रही सी। पर मैनू विश्वास नहीं सी आंदा कि सचमुच मैं थोड़े चिर अंदर भेरे पुज जावांगा। पिछली वारी जदों भेरा वेख्या सी 40 साल पुरानी गल है, उदों मेरी उम्र होवेगी मसां 8-9 सालां दी। भेरा निक्का जिहा शहर सी, उहदी गली गली ते चप्पे चप्पे दियां दौड़ां मार छड़ दे। हुकरान बरादरी वालियां दे अपने अलग अलग मुहल्ले सन, सानियां दा मुहल्ला, आनंदा दा मुहल्ला, कोलियां दा आदि। पता नहीं ये मुहल्ले कदों ते किस तरह बने। हर मुहल्ले दा अपना दरवाज़ा हुंदा सी। मेरे ताई जी मुहल्ले दियां कुछ साथणां नाल सवेरे मूँह नेरे जेलम दरिया इशनान करन जांदे सन। कदे कदे मैं ते मेरा छोटा भरा भीषम नाल तुर पैंदे सां। पहला पड़ा चिड़ी चोग, दूजा घड़ी भन, तीजा औखा पेंडा दरिया तीकदा, जो घड़ी मुड़ी छड के कदे नेड़े ते कदे दूर चला जांदा सी। चिड़ी चोग दे नेड़े एक मैदान विच अनोखा मेला लगदा हुंदा सी। सारे शहर दियां कुड़ियां चिड़ियां इत्थे एकत्रित हुंदियां सन। कदे कदे राती साढ़े हेठले सूफे विच त्रिंजण लगदा। मेरियां दोवें भैणां सहेलियां सहित माता जी दी चतुर प्रधानगी हेठ सारी दी सारी रात चरखा कतदियां। कितनियां ही तस्वीरां कल्पना दे परदे उत्ते अक्स पा गईयां। कणक दे हरे भरे खेत जिन्हां विच लुकण मिट्टी खेडदे सां, तूतनियां बणांदे सां, सिट्टे तोड़ के शरारत नाल राह लंघदियां दियां सलवारां दे पौंचियां विच घुसेड़ सुट्टदे सां। खूहां ते पाणी, खेतां विच सजरियां पुट्टियां, मूलियां ते गाजरां। उस जमाने तो बाद कदे भी तां मैं फिर पेंडू जीवन दा स्वाद नहीं माणिया। लागली सीट उत्ते एक बुढ़ड़ी सुहाणी अपने पुत्तर नूं नाल लै के आ बैठी। मैनू जापिया जिवें मेरी अपनी माँ आ बैठी होवे। ओह पहरावा, ओह बोली, मेरे अपने बिल्कुल आप दे लोक, की दसा मेरे मन की की दशा हो गई सी। बस भुल्लोवाल दे अड्डे उत्ते आ रुकी। मैनू नहीं सी पता कि भुल्लोवाल भेरे तो कुल 10-12 मील की वाट ते है। ड्राइवर ने दसिया बस इत्थे 1.25 घंटा खलोती रहेगी। कुल 3 घंटे तो रह गए सन मेरे कोल भेरा देखण लई। उस विचों 1.25 घंटा इत्थे जाया हो जाएगा। अपने साथियों तो बगैर मैं सीधा अड्डे ते मुंतजिम कोल गया, जेड़ा इमारत दे बरांडे विच कुर्सी डा के हिसाब किताब कर रहा सी। मैं उसनू दसिया कि किवें मैं 40 साल बाद केवल 3 घंटे लई वतन वेखण दा काबिल होया हाँ, अते किवें मेरे लिए अड्डे उत्ते 1.25 घंटा गुजारना असह हो रहा है। इस आदमी ने भी ओह गल कही जो मोहन लाल ने कल आखी सी, पर भेरे विच हुण की जिसनू वेखण टुरी जा रहे हो। मेरे मूहों निकलिया, की करां जी, मिट्टी खिंच लियाईए। ओह अवाक जिहा हो के मेरे वल वेखण लग पिया। पतलून कोट वाले आदमी दे मूहों उहनू अजिहे वाक सुनण दी उम्मीद नहीं सी। शायद 15 मिंटां दे अंदर अंदर उन्हें बस टोर दिती। भेरे दा आला दुआला मैनू की याद होना सी, पर ओह इतना सरसबज ते इतना रमणीक होवेगा इसकी मैनू कोई कल्पना नहीं सी। झंग जां सरगोदा उसके मुकाबले विच रुखे इलाके हन। रेलवे स्टेशन तो उतर के भेरे आओ तो सानिया दा मुहल्ला सब तो पहला आउंदा है, पर बसा दा अड्डा शहर दे पिछले दरवाजे उपर बनिया होया है, जिसनू शायद असी बलोची दरवाज़ा आखते सां। उस तो बाहर जांदिया डरीदा हुंदा सी जिवें उस तो पार कोई दूजा ही मुल्क होवे।
मेरे साथी ये वेख के हक्के बक्के रह गए कि मैनू शहर की हर सड़क ते गली याद सी। इस बलोची दरवाजे अंदर वड़द्या सार मेरी पहली पछाण भेरे दियां विसरियां खुशबुआ नाल हुई अते मेरे अंदर एक अजीब खुशी की लहर दौड़ गई। दलंगड़े मारदा मैं शहर के दूजे सिरे गंज मंडी वाले चौंक जा पुजा। मैनू थाने का वाकया याद भी आया। इंस्पैक्टर मेरे वांग ही अधखड़ उम्र का आदमी सी अते भेरे दे बथेरे सानियां नू जानदा सी। बड़े प्यार नाल पेश आया सगो पासपोर्ट उत्ते आमद ते रुखसत दोवां दे अंदराज इक्को समय कर दित्ते तां जो दोबारा कोतवाली आउण दी सानू लोड़ ना पवे। वेख्या मैं नाल आए साथियां सिकंदर शाकिर ते मुस्तहिमीन नू कहा, अपने ते पराए शहर दा ए फर्क हुंदा जे। ओह वी ते इंस्पैक्टर भी खामोश रहे। मैं आप जानदा सां हुण इह शहर उतना ही मेरा सी जितनी दिल्ली सिकंदर दी, पर मैं सियाणिया बन दे रौं विच नहीं सां। मुंडिया ने बथेरा कहा किसे वाकफकार नू नाल लै लईए, पर मैं इक ना मन्नी। गंज विचों उसे तरह अपने मुहल्ले दे नेड़े पुज के भंबल भूसियां विच पै गया। हर पासे इमारतां ढह ढेरी होईयां पईयां सन। हुलिया सारा बदलिया पिया सी। साड़ी गली दी नुक्कर उत्ते एक खूह हुंदा सी, उहदे ऐन सामने मेरे चाचा जी दा घर सी। मोफले जिहे गलियां दे मेल उपर सारा दिन जनानियां चरखा डा के कुकर मचाई रखदियां सन। मेरे चाचा जी दे घर दा दरवाज़ा पुराने ढंग दा सी, लक्कड़ उपर बेहतरीन चोबकारी दा काम सी। बड़ियां मुश्किलां नाल खूह दा लब पिया, पर आस पास ना कोई गली ना मकान। इंज जापिया जिवें हुणे हुणे कोई हवाई हमला होया है अते हर पासे मलबे दे ढेर लग गए हन। कोई विरली इमारत ही साबत खड़ी सी। साथियां ने हिम्मत दवाई, पुछ पुछा के चौधरी गुलाम मुहम्मद दा घर लभ्या। थोड़ा चिर उड़ीकण तो बाद वो बाहर आए, मेरी ही उम्र दे सन। वेखदिया सार मैनू उन्हां दा बचपन दा रूप भी चेते आ गया। बचपन विच असी इकट्ठे खेडे सी। मैं उन्हां नू अपनी पछाण कराई। मेरे पिता जी दा नां सुणदिया सार वो मेरे गल नाल आ लगे अते जारो जार रोण लग पे। दादे पोतरे भरा सां दोवें, एक खून पर वंड तो बाद वो मुसलमान हो गए सन, मैं हिंदू रह गया सां। वो पाकिस्तानी सन, मैं हिंदुस्तानी। साड़ियां जुड़ियां हुईयां बाहां ते छातियां दे विचकार एक खाई सी, इतनी लम्मी चौड़ी जिसका कोई हिसाब नहीं सी। एक दूजे दे दिलां दियां धड़कणां महसूस करदे होए वी असी इस खाई तो गाफल नहीं हो सके। इस अकल्पित परिस्थिति ने मैनू इतना बौंदला छड़िया कि मैनू रोण भी नहीं आया। फिर वह सानू घर दे अंदर लै गए। घर नवा नवा बनाया सी, बाहर टिब्बा सी जिवें साडे घर दे सामने हुंदा सी। इस उपरों लंघदी चिट्टा बुरका पाई उन्हां दी पत्नी मेरी भाभी मकान दे पिछवाड़े चली गई। चौधरी साहब ने अंदर जा के उन्हूं चाह पानी दा आहर करन लई कहा। फिर उन्हां दा 18 कु वरियां दा लड़का अंदर आया, अनवर नां सी शायद उहदा। उन्हें मेरे पैरी हथ लाया, मैं पिठ उत्ते हथ फेर के असीसां दित्तियां। 40 वरे कोई घट नहीं हुंदे अते फिर जदों असां निक्कियां दे भेरे दा सब कुछ छड्ड दित्ता तां माँ प्यो ने इत्थे आ के की करना सी। मैं चौधरी साहब तो अपने मकान बारे पुछया, पर उन्हां गोल मोल जिहा जवाब दिता। हकीकतन उन्हां नूं याद नहीं सी रिहा कि चाचियां तायां दे अनेकां मकानां विचों ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅਰਥ ਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੂਰਲੇ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ
कि खानदानी चीज़ अपने ही वीर दे काम आ गई, पर मेरे साथियों नू मेरे दिल विचों उठ रही दलीलों का किवें इलम हो सकता सी। वह घड़ी मुड़ी वक्त की तंगी वाल इशारा करते कहते, अपना मकान भी तो ढूंढिए। मैं उन्होंने टाल छड़दा, नहीं नहीं, अपने भाई से मिल लिया है, अब मुझे मकान देख के क्या करना है। चौधरी साहब ने अपने पुत्र नू कहा, अनवर जा उतों दोस्त नू सद लिया मते उसनू खबर होवे। थोड़ी चेर बाद 17 कु वरिया का बुढ़ा दोस्त मुहम्मद भी आके मंजी उत्ते बह गया। उसने सिर उत्ते चिट्टी पग बनी हुई सी, हूबहू उस तरह जिमें मेरे पिता जी बांधे सन। शकल सूरत बोलचाल भी उन्हां नाल मिलदी सी। ये दोस्त मुहम्मद अनेक वरे दीवान देशराज सानी होरां दी देखभाल करता रहा सी। दीवान साहब बैरिस्टर सन अते रावल पिंडी प्रैक्टिस करते सन। उन्हां दे लड़के नाल मेरी भूआ दी धी व्याही सी। दीवान साहिब वंडारे दे दिन ती बकायदा फेरा मारदे हुंदे सन, क्योंकि भेरे दे आस पास उन्हां दीआं जमीनां भी सन। पर दोस्त मुहम्मद नूं साडा घर भुल गया सी, क्योंकि मेरे पिता जी घट वध कदे भेरे जांदे सन। जे मैं होर विस्तार नाल निशानियां दसदा तां उहनूं कुछ चेते आ जांदा, पर हालत ही कुछ अजीब जी बनी हुई सी। एक पासे गुलाम मुहम्मद कुर्सी उपर नीवी पाई लगातार रोई जा रहा सी। उधर बुढ़े दोस्त मुहम्मद दियां अखां विचों भी जिमें गंगा जमुना वह तुरियां सन। मेरे अपने लिए बोलना औखा हो रहा सी। अखीर सिकंदर ने हलूण के मैनू उठा दिता ते कहन लगा, चले जब तक चाय तैयार होती है, एक बाहर का चक्कर लगाते हैं। बेदिली नाल मैं फिर गली विच आ गया। बिल्कुल ओपरी पई जापती सी, यकीन नहीं सी आउंदा कि मैं इस गली विच खेड़दा हुंदा सां। वो तां इतनी लम्मी खुली ते सोहनी सी, ये इतनी छोटी भीड़ी ते कोजी। सिकंदर ने मैनू एक सिरों दूजे सिरे तीक दा चक्कर मार लई कहा। अचानक एक घर दे अगे लंघदिआं मेरी नज़र उहदे वेड़े विच पई। मैं खलो गया ते कहा, इस घर विच मैं खेड़दा हुंदा सां, मैनू चंगी तरह याद है। इहदे कोठे उत्ते वी असी चढ़दे हुंदे सां, इत्थे मेरा दोस्त रहिंदा हुंदा सी। पौड़ियां कोल एक गरीबड़ा जिहा आदमी चादर वलेटी पिया होया सी। सिकंदर ने उस कोलों अंदर आउण दी इजाजत मंग ली ते मैनू कहा, जाइए अंदर, उपर भी जाइए। नहीं, अंदर जाके की लैना, मैं कहा। हुण 22 वरिया दे सिकंदर ने मैनू गली विच खलो के इंज डांटिया जिवें ओह मेरा कोई बुजुर्ग होवे। सानी साहब, आप कैसे फजूल से तकलफात का शिकार हो रहे हैं? हम भी आपकी तरह हैं। जब कभी दिल्ली जाएं, अपने छोड़े हुए मकान का कोना कोना छान मारते हैं, चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ हो। आपने यहाँ रहना थोड़े है कि हर किसी का इतना लिहाज किया जाए। जा रहे हो? 2 घंटे बाद आपको यहाँ से चले जाना है, और फिर आपको खुदा जाने कभी इधर आना नसीब हो या ना हो। ये सुस्ती छोड़िए और एक जगह बैठ के वक्त गंवाने की बजाय जितना घूम सकते हैं देखिए। बराए मेहरबानी जाइए ऊपर। कितना स्वाद मिलया उन्हां पौड़ियों उपर दोबारा पैर रख के। उधर कोठे उत्ते पुजे तां ऐन अपनियां अखां सामने दूर मैनू अपने घर दा उपरला सुफा साफ दिस पिया। उहदे सज्जे पासे वाली रसोई दिस पई अते मैं चीक उठिया, ओ ओ साडा घर। उस कमरे विच मेरी भैण दी कुड़माई हुई सी, ओ साडी रसोई। उस वेले खौरे अंदर किहड़ा ज्वालामुखी फटिया। रोंदा ते करकदा मैं मिट्टी पोचे फर्श उपर ढेर हो गया। वह लोग दिलासा देण लई आए। मैं बोली जा रहा सां, मैनू छड्ड दिओ, मैं घर नू वेख के नहीं रो रहा, मैनू मेरी भैण याद आ रही है जिहड़ी मर चुकी है। रब्बा मेरी भैण मोड़ दे, रब्बा मेरी भैण मोड़ दे। अपने आप उत्ते शर्म भी आ रही सी कि मैं की कर रहा हाँ। ओपरे देस, ओपरी थां, ओपरे बंदियां दी मौजूदगी विच
पर मैनू अपने आप उपर कोई काबू नहीं सी। देखिए बच्चों, अपने देश नाल, अपनी कौम नाल, अपनी जगह नाल जिथे अपना बचपन बीतया है, अपन किन्नी मोह मुहब्बत होंदी है। तो जदों बहुत देर बाद आप उत्थे जाने तो सारिया गल् अपने अखां दे सामने आ जांदियां ने। उही घर आ जांदा, उही सब कुछ आपां महसूस करदे आ, उही लोग चलदे फिरदे नज़र आउण लग जांदे ने आपां नूं। सो मोह मुहब्बत नूं आपां कदी नहीं तोड़ सकते। सो पाकिस्तान ते भारत दी भावें वंड तां हो गई है, वंड होई कुछ लोगों दीआं नाकामियां करके, पर बच्चों लोगों के मन अंदर बिल्कुल फर्क नहीं है, क्योंकि हले भी लोग भाई भाई ने, कोई उधर रह रहा कोई इत्थे रह रहा। तो अगर अपन कोई कह दे कि हमेशा लिए अपनी थानू छड़ के तुसी चले जाओ तो जाना बहुत औखा है। उस समय लोगों नाल बहुत बुरा वतीरा होया सी बच्चों, जिन्ना कि अपन महसूस भी नहीं कर सकते। सो यह जा वक्त किसी ते ना आवे, है ना। सो आप गल करते हैं बच्चों औखे शब्दों के अर्थों दियाँ। यह वाकई भावुक कर देने वाला लेख सी। जज्बिया भावनावान तीबर इच्छावान, मुहिम बहुत औखा जां जरूरी काम, तूतणियां एक प्रकार दे छोटे वाजे, मुंतजिम इंतजाम करन वाले प्रबंधक, वतन ओ मुल्क जां देश जिथे दा कोई वासी होवे, अवाक गुमसुम बेजबान खामोश, दुलंगड़े दुड़ंगे शाला छड़प्पे, आमद आउण दा भाव, रुखसत विदायगी छुट्टी, कोतवाली वड्डा थाना, मोकले खुले वड्डे चौड़े, कुकर कूकू कर दी आवाज़, घूमदे गोल पहिए दी आवाज़, मलवा ढठे होए घर दा इट्टा मिट्टी अते कूड़े आदि का ढेर, जारो कतार जारो जार बहुत बेहद, परिस्थिति हालत बौंदला छड़िया मतलब बंदलौ छड़िया मत मार दिती, है ना। ते उथों उथों तकलफात दुख कष्ट, सुफा घर दे दरवाजे लागे एक किस्म दी ड्योड़ी जिस विच बैठते हैं, दलान दो तीन जां चार कोठड़ियां दे अगे एक सांझा कमरा। चलो बच्चे हुण फिर आपां इस दे नाल जो संबंधित प्रश्न उत्तर ने उह आपां करिए। लेखक भेरे जाण लई क्यों उतावला है? लेखक भेरे जाण लई इस करके उतावला है क्योंकि देश दी वंड तों पहलां इत्थे उसने अपना बचपन गुजारिया सी, ते इत्थों दे उस दे सारे अपने जी रहिंदे सन, यादां सन, ते इत्थे उस दा जद्दी घर सी। बस अड्डे दा प्रबंधक अते थाने दा इंस्पैक्टर लेखक नाल किवें पेश आए? बस अड्डे दा प्रबंधक अते थाने दा इंस्पैक्टर लेखक नाल बड़ी ही हमदर्दी अते प्यार नाल पेश आए। उन्होंने लेखक दे सुख अते भावनावां दा पूर्ण ख्याल रख्या। भेरा शहर विच खुखरान बरादरी वालियां दे किहड़े किहड़े मुहल्ले सन? भेरे शहरे विच खुखरान बरादरी वालियां दे अलग अलग मुहल्ले सन, जिमें सानिया का मुहला, आनंदा का मुहला, तो कोलियां का मुहला। की करा मिट्टी खिच लियाईए, ये शब्द किसने किसनू कहे? ये शब्द मुड़ वेख्या पिंड लेख विच बलराज सानी ने भोलोवाल बस अड्डे दे मुंतजिम नू कहे। लेखक ने अपनी गली का जो नक्शा खिंचया सी उसनू अपने शब्दों विच बयान करो। लेखक दी अपनी गली दी नुक्कर उत्ते एक खूह सी। लेखक नू बड़ी मुश्किल नाल खूह तां लब पिया, पर हुण उत्थे ना कोई गली सी ते ना ही मकान। वंड तो पहला खूह दे ऐन सामने उस दे चाचे दा घर सी। मोकले जिहे गलियां दे मेल उत्ते सारा दिन जनानियां चरखे घुकाउंदियां रहिंदियां। लेखक दे चाचे दे घर दा दरवाज़ा पुराणी किस्म दा सी, जिसकी लकड़ी उपर बेहतरीन चोबकारी का काम होया सी। चौधरी गुलाम मुहम्मद का लेखक नाल की रिश्ता सी? चौधरी गुलाम मुहम्मद के लेखक इको दादे दे पोतरे सन, पर बंड मगरों गुलाम मुहम्मद मुसलमान बन गया अते लेखक हिंदू रह गया। अपना घर देख के लेखक आपा क्यों खो बैठा? लेखक अपना घर वेख के इस करके आपा खो बैठा
क्योंकि उस नाल उसके बचपन दियां जो यादां सन वो जुड़ियां हुईयां सन। इत्थे वो अपनी मर चुकी भैण नूं याद करके रोण लग पिया सी जिसकी इत्थे कुड़माई हुई सी। उस तो बाद बच्चों आपां दोहराई दे वजों आपां प्रश्नां दे उत्तर करदे हां। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न ने। मुड़ वेख्या पिंड, लेख किसकी रचना है? बलराज सानी जी दी। लेखक किस तरीक नूं भेरे गया? 16 अक्टूबर 1962 नूं। लेखक अनुसार पौना घंटा बस कित्थे रुकनी सी? भुल्लोवाल दे अड्डे उत्ते। रेलवे स्टेशन तो भेरे आओ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਭੇਰੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਭੇਰੇ ਦੇ ਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਕਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਭੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਖੂਹ। ਕੌਣ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੋਤਰਾ ਭਰਾ ਸਨ? ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਲੇਖਕ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਸੀ? ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਅਨਵਰ। ਚੌਧਰੀ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ। 70 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ। ਕੌਣ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਿਕੰਦਰ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ? 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਖਕ ਭੇਰੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਪਈ? ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਪੂਰਵਕ ਲੇਖ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।